पिछले लेक्चर में हमने देखा था टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है ना। फिर हमने टिश्यू दो तरह के पढ़े थे, एक पढ़ा था सिंपल टिश्यू, एक पढ़ा था हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दूसरा पढ़ा था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू में हमने तीन टाइप पढ़ी थी, ठीक है ना, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटर, ठीक है ना, उनको डिस्कस किया। तो आज हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये एक ही किस्म के टिश्यूज से बने हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यू लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। बात अगर हम करेंगे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा की, ये लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा डेड है। अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। इसमें जो जाइलम है फर्दर पोर क्लासेस में है, फ्लोएम फर्दर पोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, ये एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो पहली बात आपने याद रखनी है सिंपल परमानेंट टिश्यू में कि ये जो है ये एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बने। ब्रॉडली इसको तीन क्लास, सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नोन एज पैरेन्काइमा, द सेकंड वन इज नोन एज कोलेनकाइमा, एंड द थर्ड वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नोन एज स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो पैरेन्काइमा जो है ये सबसे ज्यादा टिश्यू प्लांट्स में पाए जाने वाला, प्लांट्स में सबसे ज्यादा टिश्यू पाए जाने वाला, प्लांट ऑर्गन में सबसे ज्यादा टिश्यू पाए जाने वाला पैरेन्काइमा। ये रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, और लीव्स में भी होता है। यानी कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर का देखेंगे तो जब हम टीएस वगैरह देखेंगे तो एपिडर्मिस में भी होगा, कॉर्टेक्स वाले सेल में भी होगा, एंडोडर्मिस और पिथ वाले रीजन में भी ये पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा ना, दो सेल या तीन सेल या चार सेल के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ले रहे थे। अगर हम इनकी बात करें, इनकी शेप की बात करें, तो शेप या तो इनकी आइसोडायमेट्रिक होती है या ये इलांगेटेड होते हैं। अगर हम आइसोडायमेट्रिक की बात करें, मतलब इनका हर एक सेल का डायमीटर सेम रहेगा, दैट्स व्हाई इन्होंने आइसो मतलब सेम, डायमीटर मतलब इनका हर सेल सेम शेप का हो। जैसे ओवल, तो सारे सेल ओवल ही होंगे। अगर राउंड शेप का तो सारे सेल राउंड ही होंगे। अगर स्पेरिकल या पॉलीगन है तो सारे सेल स्पेरिकल या पॉलीगन के ही होंगे, तो इलांगेटेड भी आता है। लेकिन अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसका फंक्शन क्या है, इस पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है। देखिए इसके दो मेन फंक्शन तो है ही, ठीक है ना। द पैरेन्काइमेटस सेल, या जो पैरेन्काइमा की सेल है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, ठीक है ना, तो उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसे कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन मतलब स्टैंड्स फॉर क्लोरोफिल, एंड काइमा इज फॉर पैरेन्काइमा। तो क्लोरेनकाइमा क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि फूड बनाएगा। क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, क्लियर है। उसके बाद अब देखिए कुछ एक्वाटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है इस पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन हो जाती है, और क्या बनाते हैं, ये मॉडिफाई होके बना एयर स्पेस, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, और वो एयर कैविटीज क्या करते हैं, एयर को स्टोर करती है, क्लियर है। ऐसे पैरेन्काइमा दैट आर इन्वॉल्व फॉर द स्टोरेज ऑफ एयर इज नोन एज पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा के दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है, ठीक है, दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है। कौन कौन से हैं, नंबर वन इज स्टोरेज एंड द सेकंड वन इज सेक्रीशन। एक स्टोरेज है और दूसरा सेक्रीशन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट कोलेनकाइमा। तो सबसे पहली बात, कोलेनकाइमेटस सेल जो है या कोलेनकाइमा सेल जो है ये रूट और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन रूट्स एंड मोनोकॉट्स, क्लियर है। आप देखें, लेकिन ये प्रेजेंट किसमें होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन स्टेम, लेकिन ग्रीन स्टेम में भी एपिडर्मिस से अंदर होगा,
और लीफ में ये पेटियोल वाले रीजन पे होता है और पेटियोल में भी अंडर एपिडर्मिस होता है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इनका शेप भी ओवल भी हो सकता है, इलांगेटेड और स्पेरिकल शेप हो सकता है। अब देखें क्या करते हैं, अगर हम प्लांट सेल को ड्रा करें, प्लांट सेल में ये कॉर्नर्स पे पेक्टिन को सेलुलोज, प्लांट सेल तो सेलुलोज से बना ही है सर्वाल, लेकिन कॉर्नर्स पे ये पेक्टिन को स्टोर करता है। तो अगर मैं ऐसे प्लांट सेल बनाऊं, ये मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं प्लांट सेल, क्या ये मैं प्लांट सेल वॉल बना रहा हूं, ये मैं ड्रा कर रहा हूं प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल, बात है ना। अब देखो यहां पे इधर कंसंट्रेशन कर, देखो ये क्या काम करेगा, ये कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर है ना, इन कॉर्नर्स पे पेक्टिन को डिपॉजिट करेगा, इन कॉर्नर्स पे क्या करेगा, पेक्टिन को डिपॉजिट करेगा। ले रहे जी? तो ये आ गया पेक्टिन, ये कौन काम कौन करता है, ये पोलन काय। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है ना, यहां पर भी मैंने बनाया एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं इसको, तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरलिंकिंग का काम प्लाज्मोडेस्मेटा करता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करेंगे कोलन कायमा की, तो कोलन कायमा पेक्टिन को कॉर्नर्स में स्टोर करता है, और याद रखना यहां पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल में नहीं होता है, तो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, या यू कैन से दैट इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल्स में एब्सेंट होता है। क्लियर है जी? उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, कोलन कायमा का रोल क्या है, तो दो इंपॉर्टेंट रोल है इसके, एक आता है इसका फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, एंड सेकंड इज ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? यस सर। समझ आया? यस सर।